सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम आई क्लाउड पर आईडी कैसे बना सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप आई क्लाउड पर आईडी कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन के ऊपर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए डिलीट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको privacy.apple.com वाली एक वेबसाइट है, ये खोल लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है जो आपने डिलीट करनी है, यानी कि आपकी आई क्लाउड की आईडी आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और साइन इन कर देना है। जब आप साइन इन करोगे तो आपसे ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो आपको आपके फ़ोन के ऊपर एक कोड आया होगा, वेरिफिकेशन कोड, आपको वो यहाँ पे लिख देना है। मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है, देखिए। अब ये आपको लेकर जाएगा मैनेज योर डाटा वाले पेज पे। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको टेम्परेरी डीएक्टिवेट करना है अकाउंट या डिलीट करना है अकाउंट, ये आपके ऊपर है। आपको अगर डीएक्टिवेट करना है आप डीएक्टिवेट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं यहाँ से। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे डिलीट के लिए। अब ये आपको वार्निंग्स देगा कि डिलीट करने पे क्या क्या डिलीट हो जाएगा, कि क्या इफ़ेक्ट्स होंगे आपके अकाउंट पे। एप्पल आईडी डिलीट करते हैं तो आपका सारा डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ये एप्पल आईडी डिलीट कर दूंगा और उसके बाद फिर से इसी के ऊपर नई आईडी बना लूँगा और मेरा डाटा भी आ जाएगा, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा और ये परमानेंट होती है अकाउंट डीएक्टिवेशन जो है। जैसे मैंने बताया कि सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, कुछ भी वापस नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर एक रीज़न देना है इनको। आप यहाँ पर रीज़न दे दीजिए, आई वुड लाइक टू स्टॉप यूजिंग माई अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब वो आपको बताएगा कि आपके आई क्लाउड पर क्या क्या स्टोर था। देखिए 4.54 MB का एक डॉक्यूमेंट स्टोर था, वो इसने यहाँ पे बता दिया। फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं है तो उसने बता दिया कि वो ज़ीरो हैं। और आप यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं अगर आपको बैकअप लेना है। और ये पढ़ने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो भी चली जाएंगी। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा, उसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब ये बोलेगा प्लीज़ चूज़ हाउ टू रिसीव अकाउंट स्टेटस अपडेट, यानी कि जो आप अकाउंट डिलीट कर रहे हो इसका स्टेटस आपको कैसे पता चले। तो आप यहाँ पे अपना नंबर दे सकते हो या फिर कोई और ईमेल एड्रेस दे सकते हो, अपनी ये वाली ईमेल भी दे सकते हो जो जीमेल पे है, या फिर जो भी आपका आउटलुक याहू या फिर आउटलुक याहू या जीमेल पे जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है वहाँ पे आप अपना स्टेटस, अगर आपको पता करना है कि अकाउंट डिलीट कब हुआ, तो आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं ईमेल ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद कंटिन्यू कर दूँगा। अब ये बोलेगा आपको ये कोड लिख के रख लेना है या प्रिंट कर लेना है, तो आप इसको कॉपी करके कहीं रख लीजिए क्योंकि आगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब ये SS कोड मांग रहा है, जैसे वो पीछे वाला कोड था वही कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मुझे ये लिखना ही पड़ेगा, लिटरली आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने कोड लिख लिया यहाँ पे। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और अब आपको वो सेम कोड पेस्ट करना है यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है एक बार ये आपने जब कोड लिख लिया। अभी आपसे फाइनली पूछेगा कि आपको डिलीट करना है अकाउंट, तो आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। फिर ये आपको बताएगा कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप साइन आउट कर दीजिए ये ब्राउज़र से और सभी ब्राउज़र से। तो
योर अकाउंट विल रिमेन एक्टिव वाइल वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस। तो साइन आउट कर देंगे। अब आपकी एप्पल आईडी जो है वो डिलीट हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आएगी। तो हम एक बारी ट्राई भी करके देख लेते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, योर अकाउंट इज़ करेंटली इन इन प्रोसेस ऑफ बीइंग डिलीटेड। तो हमारी रिक्वेस्ट डली हुई है, तो सिर्फ यही प्रोसेस था। इस प्रोसेस से आप एप्पल आईडी डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।